श्री शिवराज सिंह चौहान कल 17 जनवरी 2022 को दोपहर 12 बजे त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रशासकीय समितियों एवं उनके प्रधानों को संबोधित करेंगे। ये संबोधन दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल के अलावा वेबकास्ट लिंक, जनसंपर्क सोशल मीडिया के फेसबुक लाइव, यूट्यूब, ट्विटर पर देखा व सुना जा सकेगा। प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी बाघिन सुपर मॉम का शनिवार को निधन हो गया। पीच टाइगर रिजर्व की शान बाघिन रानी के निधन पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त करते हुए अपने ट्वीट में कहा है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मध्य प्रदेश की शान व 29 शावकों की माता सुपर टाइगर्स मॉम कॉलर वाली बाघिन को श्रद्धांजलि। पेच टाइगर रिजर्व की रानी के शावकों की दहाड़ से मध्य प्रदेश के जंगल सदैव गुंजायमान रहेंगे। आपको बता दें कि रानी बाघिन ने 29 शावकों को जन्म देकर सुपर मॉम का खिताब हासिल किया था और कल पेच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम दुनिया को अलविदा कह गयी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार के लिए बड़े चिकित्सा संस्थानों को आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सुनियोजित पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज भोपाल के नेशनल अस्पताल में विश्व की आधुनिक और मध्य भारत की पहली आधुनिक कैथ लैब का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज का दिन देश के लिए भी विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से युद्ध के लिए वैक्सीन की शुरुआत की थी। उन्होंने वैज्ञानिकों सहित डॉक्टर्स और वैक्सीनेशन से जुड़े हर एक व्यक्ति और संस्थाओं को धन्यवाद भी दिया और लैब की तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी प्राप्त की। हमारे गौरव का दिन, गर्व का दिन है, स्वाभिमान का दिन है। आज पूरा एक साल हो गया, 16 जनवरी 2021 को हमारा टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ था और ये गौरव का दिन दिखाया है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये जिंदगी का डोज है, इसकी महत्ता समझिए। टीका नहीं, हमारा सुरक्षा कवच, या दो डोज पूर्ण तो सुरक्षा संपूर्ण। 16 जनवरी 2021 से ही इस तरह के अनेक जागरूकता स्लोगन केंद्र और प्रदेश सरकार के जन जन की सुरक्षा को लेकर किए गए अथक प्रयासों के चलते हम सब सुन भी रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं। तभी तो आज बच्चा बच्चा जानता है कि कोविड को हराना है तो टीका जरूर लगवाना है। आज हम सबके प्रयासों से 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। 16 जनवरी से शुरू हुआ सफल टीकाकरण का महाअभियान आज अपने एक वर्ष पूर्ण कर चुका है। तब से अब तक प्रदेश में कुल 10,72,00,000 डोज लग चुके हैं। मुझे बताते हुए खुशी है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। दो फैसले और हुए बात, एक 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों का भी टीकाकरण प्रारंभ हुआ जो अभी जारी है, और दूसरे हमारे हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर जिन्होंने कोविड से मैदान में लड़ाई लड़ी, उनकी सुरक्षा के लिए उनको भी प्रीकॉशन डोज लगना शुरू हुआ। आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल के जेपी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में अधिक संख्या में टीकाकरण कराने, 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन कराने व दूसरों को प्रेरित करने की भी अपील की। विनम्र निवेदन है, ये कोविड की तीसरी लहर बड़ी तेजी से आ रही है, उतनी घातक नहीं हो रही, लेकिन सावधान नहीं रहे, संख्या बहुत बढ़ेगी। कृपया करके हर प्रदेशवासी मीडिया के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ, कृपया करके मास्क जरूर लगाए, अनावश्यक भीड़ में ना जाए, दूरी बना के रखे, बार बार हाथ धोते रहे, कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें। ये सबको करना पड़ेगा, हर एक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि कोविड को हमको हराना है तो ये सावधानी हमको रखनी ही होगी। उन्होंने कहा कि यही है हमारा सुरक्षा कवच, इसे जरूर अपनाएं और स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित करें।